दोस्तों आज की कहानी है छोटी बहू। मेरी बड़ी बहू के भी तो कुछ अरमान है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। छोटी बहू इतना अहंकार अच्छा नहीं है। अगर अपनी जेठानी को थोड़ा सा सामान दे दोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मौका पड़ने पर ये रुपया पैसा नहीं वरन व्यवहार काम आता है। जब तक मनोरमा तमन्ना को समझाती रहती, लेकिन तमन्ना के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अपना बाहर जाकर कमाई करने और बड़े घर की बेटी होने का बहुत अहंकार था। और वह जेठानी सुंदरा की गाय बगाई अवहेलना कर ही देती। मनोरमा की बड़ी बहू सुंदर स्वभाव संस्कार से बहुत ही सिलवान, घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़े ससुर थे नहीं। इसलिए देवेंद्र ने शादी के पहले ही कह दिया था कि इस संसार में मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं मेरे लिए, क्योंकि मेरी माँ ने हम दोनों को अकेले ही माता पिता का प्यार देकर न जाने कितने संघर्षों से पाला पोसा है। आप विश्वास रखिए, आज से आपसे पहले वो मेरी माँ है। आपको जीवन में कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और सुंदरा ने अपने वचनों को अभी तक निभाया था। और छोटी बहू तमन्ना सब संत विचारों की नरेंद्र ने अपने ऑफिस की ही तमन्ना को अपनी पत्नी का प्रस्ताव जब घर वालों के सामने रखा तो किसी को आपत्ति नजर नहीं आई। और तमन्ना नरेंद्र की पत्नी बनकर ससुराल आ गई। मनोरमा बहुत खुश होती कि भले पति ने समय से पहले उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने अपना दायित्व तो भली भांति पूरा कर लिया। दोनों बच्चे ब्याह गए, अब सब लोग मिलजुल कर रहे। और सही भी क्या, समय के साथ मनोरमा के घुटनों में बहुत दर्द भी रहने लगा था। संघर्ष में व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। हालांकि देवेंद्र ने मनोरमा का बहुत इलाज करवाया, लेकिन उम्र का तकाजा कह लीजिए कि मनोरमा बहुत कम सर फिर पाती और बाहर निकलना तो उसका लगभग बंद ही हो गया। तमन्ना को अपनी नौकरी करने का बहुत अभिमान था, इसलिए घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाना चाहती। मनोरमा टोकती भी कि सुंदरा सुबह से अकेले रसोई में झूठी पड़ी है, थोड़ा बहुत उसका हाथ बटा लो। लेकिन तमन्ना दो टूक जवाब दे देती, मैं भी तो दिन भर ऑफिस में काम करते करते थक जाती हूँ, अब मैं कोई काम नहीं कर सकती। और अपना और देवेंद्र का खाना लेकर सुबह सब कमरे में चली जाती। और तो रविवार को भी पहले से ही उन दोनों को बाहर घूमना फिरना फिक्स रहता। मनोरमा को ये सब बहुत बुरा लगता। मेरी बड़ी बहू के भी तो कुछ अरमान है, लेकिन देवेंद्र को अपने व्यवसाय से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। माँ जी आप क्यों परेशान होती हैं? सही कहती है तमन्ना, मैं तो घर पर ही रहती हूँ तो मेरा क्या थकना। उसको तो सचमुच ऑफिस आने जाने में थकान हो जाती होगी। सुंदा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में टकराव हो। बहुत भोली हो तुम सुंदरा बेटा, तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठा रही है तमन्ना। कोई बात नहीं माँ जी, जैसा सदरा है वैसा ही सलने दीजिए। सुंदरा मनोरमा का हाथ पकड़कर बोली, अमीर घर की तमन्ना पहले ही नहीं मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदरा से सीधे मुँह बात करती थी, लेकिन अब तो तमन्ना बाग बेबाग पर सुंदरा को जवाब भी देने लगी थी। और सुंदरा उसका हवा खड़ी मुँह देखती रह जाती। तमन्ना घर परिवार में सबको साथ लेकर चलना सही है, भगवान ना करे कि भविष्य में कभी जरूरत पड़ गई तो कोई काम भी नहीं आएगा। मुझको क्या जरूरत पड़ने वाली, और फिर जब
जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भाभी की खुशामद करने के बजाय अपनी मम्मी को बुला लूंगी, तमन्ना तपाक से बोली। इत्तेफाक से तमन्ना के पाप भारी हो गए, घर में खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन अब तो तमन्ना के और भी पैर धरती पर नहीं पड़ते और उसके अहंकार में एक और कड़ी जुड़ गई। इसीलिए सुंदा को अब तो वो बिल्कुल भी नहीं गिनती, क्योंकि सुंदा अभी इसी परिवार को वारिस भी नहीं दे पाई थी। समय व्यतीत होने लगा धीरे धीरे, पर सब का समय भी नजदीक आया। तमन्ना ने अपने कहे मुताबिक जरूरत पड़ने पर मायके से अपनी मम्मी को अपनी सेवा सुरक्षा के लिए बुला लिया। सुंदा को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मनोरमा के दिल में कुछ कसक सा गया। कहते हैं ना कि व्यक्ति का अहंकार टूटता अवश्य है। इधर पर सब की तारीख और उधर नरेंद्र का ऑफिस के बहुत जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना, और उसी समय तमन्ना की मम्मी को बहुत तेज फीवर चढ़ गया। अचानक रात में तमन्ना के बहुत तेज दर्द उठा और वो कराती हुई मनोरमा के पास आई। मम्मी जी, लगता है मुझको अभी अस्पताल जाना पड़ेगा। मम्मी के तो बहुत तेज बुखार है, आप भाभी को बुला लीजिए। तमन्ना, मैं कैसे बुलाऊं? तुम ही उसके कमरे के बाहर जाकर आवाज लगा दो। लेकिन तब आहट सुनकर सुंदा बाहर आ चुकी थी और तमन्ना को परेशान देखकर बोली, तमन्ना तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं और तुम्हारे भैया अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। सुंदा के कहने पर तब तक देवेंद्र ने गाड़ी निकाल ली थी और तब तक सुंदा ने नरेंद्र को भी फोन करके स्थिति से अवगत करवा दिया था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण इनका तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आप इन पेपर पर हस्ताक्षर कर लीजिए और खून का भी इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, आप मेरा ब्लड ग्रुप शेयर कर लीजिए, सुंदा ने आगे बढ़कर कहा, और इत्तेफाक से उसका ब्लड तमन्ना से मैच कर गया। देवेंद्र ने पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए और थोड़ी ही देर बाद ऑपरेशन थिएटर से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मुबारक को एक नन्ही मुनी परी ने जन्म लिया है। देवेंद्र और सुंदरा ने हाथ उठाकर भगवान को धन्यवाद दिया। तमन्ना को ऑपरेशन थिएटर से रूम में शिफ्ट कर दिया गया और होश आने पर तमन्ना अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, शायद भगवान ने जानबूझकर ये स्थिति उत्पन्न की थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अहंकारी हो गई थी। बात बात पर आपका अपमान करने से भी नहीं सुनती थी, किसी को कुछ समझती भी नहीं थी कि मुझको किसी की सहायता की क्या जरूरत। भगवान ने मेरा अहंकार सुर सुर कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपनी छोटी बहन को अवश्य माफ कर देगी। तमन्ना सुंदरा का हाथ पकड़कर रोने लगी। पगली कहीं की रोते नहीं, और अब तो हंसने मुस्कुराने का समय आया है। देखो कैसे नन्ही परी तुम्हारा टुकुर टुकुर मुंह ताग रही। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भी मैल नहीं था और ना है। मैंने हमेशा तुमको अपनी छोटी बहन ही माना, क्योंकि मेरे तो कोई छोटी बहन थी नहीं, इसलिए भगवान ने मुझको छोटी बहन तुम्हारे रूप में दी थी। भूल जाओ सब बातों को, क्यों थी? क्योंकि तुमने सुना ही होगा कि समा बड़न को सही, छोटन को उत्पात। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है और तुम अब खुश रहो, क्योंकि परी को दूध भी तो पिलाना है कि नहीं। सुंदा ने तमन्ना को लेटे लेटे ही गले लगा लिया। थैंक्स भाभी, तमन्ना परी की ओर देखकर मुस्कुराई। और हाँ देवेंद्र, सुनिए, मम्मी जी और नरेंद्र भैया भी खुश खबरी का इंतजार कर रहे होंगे, उसको भी सुना दीजिए। और सुंदा के कहने पर देवेंद्र मनोरमा को दादी बनने की खुश खबरी सुनाने लगे हैं।